Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. All the virtual participants attending today's national dialogue on Karachi's development. मैं ये आपको बताता चलूं कि अब ये जो सेशन इस वक्त है वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है. फेसबुक पेजेस हैं मेरा कराची ग्रुप और नटशल कॉन्फ्रेंसेस का, और यूट्यूब चैनल है नटशल कॉन्फ्रेंसेस का. इधर आप जाके इस लिंक के थ्रू इस पूरे सेशन को लाइव अटेंड कर सकते हैं. जो फर्स्ट इनॉग्रल सेशन था वो एक्चुअली रिकॉर्डेड था, जो हमने पहले रिकॉर्ड किया था, और उसकी रीजन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कराची कल विजिट करना था, लेकिन जब उनका स्केड्यूल चेंज हुआ तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कराची में मौजूद हैं. गवर्नर हाउस में मीटिंग चल रही है और गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल साहब ने फिर रिक्वेस्ट की कि इसको अगर पहले से रिकॉर्ड कर लिया जाए, बिकॉज देयर वाज नो अदर पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो हमने इस सेशन को रिकॉर्ड किया था. तो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स दिस सेशन इज लाइव, और हमारे जो अब मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप के साथ अब हम डायलॉग शुरू करेंगे. सिक्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं. पीएमएलएन से मोहम्मद जुबैर साहब हैं, जो फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं. पीपीपी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बैरिस्टर मुर्तजा बहाब हैं. एमक्यूएम पाकिस्तान से फैसल सजवारी हैं. इंजीनियर हाफिज नईबुर रहमान साहब जमात इस्लामी से हैं, जो कराची जमात के चीफ भी हैं. सैयद मुस्तफ़ा कमाल चेयरपर्सन पाक सरजमीन पार्टी हैं, और फिरदौस शमी नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं. और उसके बाद हमारे जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर हैं फहीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, उनके साथ हम एक डायलॉग करेंगे. और फिर फॉर्मर गवर्नर सिंध, जो दो दफा गवर्नर सिंध सर्व कर चुके हैं, जनरल मोइनुद्दीन हैदर, उनके साथ हम डायलॉग करेंगे. और आखिरी में जहां आरा, जो हमारी मेंबर है कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप की, वो वर्ड ऑफ थैंक्स देंगे. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टुडेज डायलॉग. हर स्पीकर के साथ हमारा टाइम स्ट्रिक्टली 20 मिनट्स है, जो बहुत अच्छा टाइम है. और इसमें हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट का जो है ओवरव्यू वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो दें, उनका उनकी पार्टी का उनका अपना क्या मौकिफ है रोड मैप के हवाले से, लाइन ऑफ एक्शन के हवाले से. हम माजी पे नहीं जाएंगे, हम आगे की फ्यूचर की बात करेंगे, वे फॉरवर्ड की बात करेंगे. और आखिरी जो 10 मिनट होंगे उसमें हमारे जो मॉडरेटर्स हैं शाहीन सलाउद्दीन और अशर सईद, वो डिस्कशन हमारे स्पीकर के साथ करेंगे. तो हमारे पहले मेहमान जो हैं वो मोहम्मद जुबैर साहब हैं. मोहम्मद जुबैर जो हैं वो बेसिकली कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव थे, IBM के रीजनल CFO थे, दुबई बेस्ड, और उसके बाद पाकिस्तान आए. PMLN को उन्होंने ज्वाइन किया, एज प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर उन्होंने सर्व किया, और उसके बाद लास्ट गवर्नमेंट में ही सर्व एज द गवर्नर सिंध. और मैं ये समझता हूँ, पूरा पाकिस्तान ये समझता है, जो खासतौर पर कराची और सिंध के शहरी हैं, कि जो उनका टेन्योर एज गवर्नर था, दिस वॉज कमेंडेबल टेन्योर एज द गवर्नर सिंध. तो ही इज हेयर विद अस, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग शाहीन सलाउद्दीन to please conduct the further proceedings with Mr. Mohammed Zubair. Ji Zubair Sahab, assalam alaikum and a very warm welcome to this webinar. Main abhi kehne wali thi, ek hissa asar reh gaya ki main aur Zubair Sahab ne ek saath television pe kaam bhi kiya hai. Wo bhi anchor the, main bhi thi. So anyway, a very warm welcome. Bade arse baad aapse mulaqat ho rahi hai. MashaAllah, you've been the governor, vice president of PMLN. अभी मैं देख रही थी तो असद उमर साहब का एक बयान आया आपके कैद के हवाले से. वो कराची आए थे और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ कराची आए और सियासत करके चले. हम बात कर रहे हैं कराची की, कराची की में को किस तरह आगे बढ़ाया जाए. अब वो ब्लेम गेम, ये वो फला फला चीज़ें, आई थिंक वी नीड टू फॉरगेट. हमें आज से आगे के लिए क्या करना चाहिए. शहबाज शरीफ साहब का मैंने कल भी एक कन्वर्सेशन किया था, अभी बताऊंगी. जब मैं हिंदुस्तान गई थी तो किसी ने मुझसे कहा था दो बंदे दे दो पाकिस्तान के. मैंने कहा कौन? चलेंगे एक शहबाज शरीफ, एक मुस्तफ़ा कमाल, बाकी हमारे ले जाओ जो ले जाना है. तो इतना अहम शख्सियत जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं पंजाब में, आई होप आप चूँकि PMLN को रिप्रजेंट कर रहे हैं, कराची के हवाले से आप क्या समझते हैं अभी तक जो कुछ हुआ और वन साइड मैंने बहुत कुछ किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अलावा भी. तो कराची को देखें, शहबाज शरीफ से की आपने बात की थी और आपने असद उमर का रेफरेंस दिया था, तो 2018 के जब इलेक्शन थे तो शहबाज शरीफ को हमने ये कहा कि अगर आप कराची में आके ये कहते हैं या पेशावर में खड़े होके ये कहते हैं कि आप हमें वोट दें और हम आपको पेशावर लाहौर की तरह बना देंगे या कराची लाहौर की तरह बना देंगे तो कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा. लेकिन दोनों वज़ीर आला जो उस वक्त थे KP के और सिंध के,
वो लाहौर में ये खड़े होके नहीं कह सकते थे कि जी आप लाहौर में खड़े होके ये कहें कि जी आप मुझे वोट दें और मैं आपको लाहौर पेशावर की तरह या कराची की तरह बना दूंगा. सो दैट डिफाइंस द डिफरेंस. सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली वन डजंट हैव टू एक्सप्लेन. सो दो एस्पेक्ट्स होते हैं शाहीन गोइंग फॉरवर्ड जब हम बात करते हैं. थोड़ा सा पीछे मुड़ के जरूर मैं एक मिनट लूंगा क्योंकि जब हम बात करते हैं और कम्प्लीटली डिसमिसिव होते हैं कि पिछले 15 साल 20 साल या 5 साल या 10 साल में कुछ नहीं हुआ, तो एक रिमाइंडर ऑफ वेयर कराची वॉज इन 2013. कराची वॉज द सेकेंड मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड इन 2013 जून. वी नो लॉन्गर टॉक अबाउट कराची इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि जी किडनैपिंग फॉर रैनसम या दहशतगर्दी के हवाले से. Forgotten are the places like 9-0 or Lyari gang war headquarters and so on and so forth. So a serious improvement has taken place. Jab dehshatgardi hoti hai is level par jis tarah se Karachi mein for so many years or decades, to civic amenities ya jo aapke infrastructure hai wo sabse zyada suffer karta hai because logon ko apni jaan ki padi bhi hoti hai to aap kahan se ye karenge ki yahan ka road network improve karein. Yes, sewerage system improve करें. I'm not saying कि वो नहीं होना चाहिए था, but that takes a back stage. पहले लोगों को अपनी जान की हिफाजत करने की जरूरत होती है. So वही उसी के तहत ये जो 2013 में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो वो उसका फर्स्ट फेज था टू फिक्स लॉ एंड ऑर्डर. उसके बाद कल्चरल सोशल स्पोर्टिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रिवाइवल था और उसके साथ साथ फिर एक सूबाई हुकूमत के हवाले से लोकल गवर्नमेंट के हवाले से और फेडरल हुकूमत के हवाले से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कराची. सो द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन. मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन कराची वर लॉन्च्ड. ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के उसमें लियारी एक्सप्रेस वे या आप के फोर पानी का मनसूबा एंड सो ऑन. तो एक तो ये है कि जब आप आगे की बात करते हैं तो आप एक चीज जरूर ख्याल करते हैं कि हम एक अजम्पशन के साथ करते हैं कि सिर्फ नीयत की जरूरत होती है. नीयत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और होनी भी चाहिए कि जी कितनी सिंसेरिटी है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनीथिंग दैट यू कंसीव. और कराची के हवाले से उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉम्पिटेंस कि क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस है गोइंग फॉरवर्ड कि सिर्फ 800 बिलियन रुपये का एक पैकेज अनाउंस करने से तमाम मसले हल हो जाएंगे. क्या आपको वो उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, उसकी कोऑर्डिनेशन करना, उसको पाए तकमील तक पहुंचाना इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे एंड इन द मोस्ट प्रोफेशनल वे, क्या आपके पास कॉम्पिटेंस है? तो लेट मी बी वेरी ब्लंट टू से वी डोंट हैव दैट कॉम्पिटेंस. क्योंकि ये ऐसे ही नहीं कि 11 महीने में एक जगह की मेट्रो बन जाती है, दूसरी 4 साल में ही बनती है और वो भी कॉस्ट एस्केलेशन इतनी होती है. ऐसे नहीं होता एक सिंपल तरीके से. सो कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो राइट नाउ जो सबसे बड़ा मेरा फियर है अपार्ट फ्रॉम द अदर फियर गोइंग फॉरवर्ड इज कि क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस है फेडरल लेवल प्रोविंशियल लेवल? नहीं है. दूसरी और बड़ा सीरियस लैक है, बड़ा सीरियस लैक है. दूसरी चीज ये है कि क्या ये पैसा इवेंचुअली आएगा भी या नहीं आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है आज हम वज़ीर आज़म की प्रेजेंस और उनकी जो अनाउंसमेंट है उसको तो नहीं इग्नोर करके चल सकते कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग कराची इन अ मेजर वे. तो उसमें भी मेरी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मुझे तो अभी तक ये क्वेश्चन मुझे मेरे सामने है कि क्या ये बजट हो चुका है पैसा, ये कौन से बजट में से निकल के आएगा? क्योंकि फेडरल बजट में तो अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं है. जस्ट लाइक कि जब सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहली दफ़ा कराची आए थे तो उन्होंने 162 बिलियन रुपीज़ का पैकेज अनाउंस किया था. देर वॉज नो प्रोविजन इन द बजट. सो ऑन द सेम इवनिंग दिस इज द क्वेश्चन दैट आई रेज. जब एक बजट में आपका प्रोविजन ही नहीं है तो आएगा कैसे, रिलीज कैसे होगा? इट विल नेवर टेक शेप एंड इट नेवर टुक शेप. 2 years ऑन वी कैन नॉट लुक बैक एंड से देर वॉज नो मनी डेट एक्चुअली केम बिकॉज इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर. So, एक मुझे पॉलिटिकल रिटोरिक से आगे क्या हम जा सकेंगे, इसकी बजटिंग प्रॉपरली हो सकेगी? प्रोविंशियल हुकूमत और फेडरल हुकूमत शदीद इख्तलाफात हैं उनके सियासी तौर पर और ये प्रोजेक्ट्स ऐसे तो नहीं फेडरल हुकूमत ऊपर से आके हवा में तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती अनलेस देर इज सिंसियर एफर्ट्स ऑन बोथ साइड्स. द गुड पार्ट हेयर, लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट द पॉजिटिव पार्ट हेयर इज के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने
और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह थे और दूसरे स्टेक होल्डर्स जो एमकेएम के भी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन पर मुकम्मल इतमाद किया है, दैट इज़ एनडीएमए। जाहिर सी बात है वो फौज की वजह से उनमें कैपेसिटी भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है और डिलीवरी मैकेनिज्म भी उनको आता है। वो किस हद तक अपना रोल प्ले कर सकेंगे तमाम जो है, क्योंकि पॉलिटिक्स, प्लीज डोंट, आपको तो चाइन ज़्यादा अच्छा पता है कि पॉलिटिक्स कैन ओवरटेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इट्स अ नेचुरल थिंग दैट ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इन्वॉल्व वो दिल ट्राई टू टेक पॉलिटिकल कैपिटल आउट ऑफ दिस। अगर रोड्स अच्छे बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, तो एमकेएम भी क्लेम करेगा कि हमारी वजह से हुआ है, पीपीपी भी क्लेम करेगी और पीटीआई भी क्लेम करेगी, और करना भी चाहिए, इसमें किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए कि जी वो आप ये कि ये क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल, यू कांट जस्ट लेट टू टेक पॉलिटिकल माइलेज और स्पिन देना उसका क्या। बट उसमें जो सिर्फ खर्चा होता है वो ओवर स्टेप इतना हो जाता है पॉलिटिकल कंसिडरेशन, कि आप कहते हैं कि ठीक है अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पीटीआई को ना फ़ायदा होए कोई इससे, पॉलिटिकल माइलेज मिले। तो ये एक बेसिकली मेरा ये है, अदरवाइज ये अच्छा हुआ। और दूसरी उसकी जो एक एस्पेक्ट है जिस पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सितंबर के फर्स्ट वीक 2013 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कराची का ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो उस वक्त उस दिन या उस हफ्ते या एक महीने पहले को गोलियां नहीं चल रही थी, इट वॉज पार्ट ऑफ अ प्लान कि ये नहीं कि बारिशें हों, तबाहकारी हो, क्राइसिस क्रिएट हो जाए एंड देन एवरीवन वेक्स अप टू से कि जी वो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो चाहे वो चीनी का इशू हो कि जी उसके कमीशन बनना चाहिए कि जी अगर उसके लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं या वीट के या कराची के या इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे, दिस शुड हैव हैपेंड इन अ नॉर्मल कोर्स, सो इट वुड हैव बीन फार बेटर एंड इट वुड हैव लुक्ड फार मोर सीरियस हैड द सेम थिंग been done say in April of this year or in January of this year or last year sometimes ki Karachi needs that because Karachi surely needed better infrastructure. ye to kisi mein isme koi do raaye hai hi nahi. aur dusri cheez ye hai ki khaas taur par PTI ko ye prove karna padega kyunki jahan jo federally funded projects jahan chhode the K4 pani ka mansooba aur jo green line ka project ka mansooba tha उसमें दो साल में एक ईंट भी नहीं लगी है, सो क्या हैव दे लर्न्ड समथिंग? जी मैं तब कुछ सवाल शुरू कर लेते हैं हम अब आपसे, ताकि आपने अपना जो ओवरऑल व्यू दिया। अशर आप शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, मैं अपनी सवाल आपके सामने रखने से पहले ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त अगर कराची किसी इजहारिया का इंतखाब करता तो वो शायद मुस्तफा जैदी की जुबान में होता कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। आप इस वक्त हिजब इख्तलाफ की एक जमात है जुबैर साहब, उससे आपका ताल्लुक है। हिजब इख्तलाफ में होते हुए जो बड़ा अच्छा सीजन होता है कि हर चीज़ पर तनकीद की जा सकती है और खुल के की जा सकती है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि PMLN जो है हिजब इख्तलाफ में रहते हुए और आप जैसा शख्सियत जो इस सूबे को लीड भी कर चुकी है, उसके हवाले से काम भी कर चुकी है, क्या हिजब इख्तलाफ को एक तामीरी रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए जहाँ पे वो ये कहने के बजाय कि हम कराची को लाहौर बना देंगे, कुछ आगे का प्लान भी हमसे शेयर करे कि अगर हम इख्तदार में होते तो ये 1, 2, 3, 4 चीजें हम करते जिससे ये लाहौर बन जाता। तो एक तामीरी रवैया अपोजिशन का शायद लोग अब देखना चाहते हैं, अगरचे कि इस वक्त शायद आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक ब्लू प्रिंट जरूर दिया जा सकता है कि अगर हम मुंतखब होते तो हम ये करते। जी आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक तो ऑपोजिशन का रोल ऑपोजिशन होता है, सो वो इट इज़ अ चेक, लाइक मीडिया इज अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी जो भी जुडिशरी है इट्स अ चेक, ऑपोजिशन ऑल्सो हैज़ अ रोल प्राइमरली ऑफ द चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव टू इंश्योर के जी उनकी जो गलतियाँ उसको बताया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका सवाल है वो उसकी भी उतनी ही अहमियत है कि वी शुड ऑल्सो नॉट जस्ट से कि ये गलत है, वी शुड ऑल्सो से कि क्या होना चाहिए। वो उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ आए थे तो 24 घंटे का दौरा था उनका, जिसमें से 45 मिनट वो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मिले थे, और वो बड़े मेजर स्टेक होल्डर हैं, उनकी हुकूमत है यहाँ, तो जाहिर सी बात है आप कराची की बात कर रहे हैं, और हम आए इसलिए हैं शहबाज शरीफ के जी जो यहाँ तबाही हुई है उसका सदभाव करने के लिए, समझने के लिए कितनी
डैमेज हुई है और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आपका बिल्कुल सही बात है कि हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और हमने शहबाज शरीफ साहब ने उसका बड़ा एक क्लियर कट वो भी बताया। देखें ऑपोजिशन क्या कर सकती है, एंड दैट इज टू रिस्पॉन्ड टू द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू शेयर आवर व्यूज टू हेल्प देम इन मेकिंग इट मोर इफेक्टिव कॉस्ट स्टैंड पॉइंट से एंड टाइमिंग स्टैंड पॉइंट से। और हमने कहा कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं एट द फेडरल लेवल, जिसमें जाहिर सी बात है वी आर द मेन ऑपोजिशन पार्टीज, और हम आप हमें उसमें शामिल कर लें। तकरीर तो मैं अभी भी यहाँ करके चला जाऊँगा तो उसका कोई कुछ भी नहीं होगा, बट मीनिंगफुल सबसे ज़्यादा होगा अगर आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं नेशनल असेंबली और सैनेट की, जिसमें हमारे नुमाइंदे भी हों, इनके भी हों, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी हों, ख़ासतौर पर जो वो हैं जो रेलिवेंट हैं कराची के हवाले से, तो दैट विल बी मोर मीनिंगफुल। कि उसमें आप जिस तरह एक शाहीन को भी पता होगा, जैसे आप जब ओवरऑल टेररिज्म की जंग लड़ रहे थे तो आपने एक कमेटी बनाई थी, या सी पैक जब लॉन्च किया था तो 35 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, उसी में ही मीनिंगफुल तजावीज़ आती हैं कि जी आप क्या प्रपोज कर रहे हैं। और फिर एक पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होती है, क्योंकि 800 बिलियन रुपए कोई कम तो नहीं है, अगर वो दिए जाएंगे और एक्चुअली दिए जाएंगे तो कहीं से खींचतान के दिए जाएंगे। कल लाहौर भी शायद शोर में चाहेगा, कोयटा, पेशावर और दूसरे शहर भी, कि हमारी बारी। सो इसको जितने इफेक्टिवली आप इस्तेमाल कर सकेंगे, माइलस्टोन्स डिफाइंड होंगे, पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होगी, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो हमारी तो बड़ी सिंपल सी तजवीज़ है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं जिस डैट शुड एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, और वो उसका रेगुलर मुहासबा करे और उसको रिव्यू करे, तजावीज़ पेश करे, और उसमें हुकूमती नुमाइंदे और जो भी यहाँ की कमेटीज बनेंगी वो भी आके जवाब दें। This is the best role that we can play. जुबैर साहब, जैसे आप अभी रेकमेंड कर रहे हैं, बेहतर नहीं हो कि PMLN अपना एक मैनिफेस्टो दे दे छोटा सा कि कराची के हवाले से हम ABCDE को हम सपोर्ट करेंगे और ये चीजें बुनियादी हैं, इसके लिए हम हर हाल में चाहे एफर्ट हमारे पॉलिटिकली चाहिए हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम उसमें भी कोऑपरेट करने को असेंबली में तैयार हैं, इस तरह का कोई प्लान। शाहीन आपका एक सही है, लेकिन इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट हैज़ टू वर्क इन अ वेरी मीनिंगफुल वे। कि हम एक बयान देखें ना, अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, कल तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि उसमें क्या क्या होगा। हमारे बहुत से सवालात भी हैं, जिस तरह मैंने रेज किया कि जी वो बजटरी प्रोविजन है भी या नहीं है, ये कितने साल का प्लान है, इस साल का जो बजट है उसमें तो कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी बी वेरी ब्लंट, वो है नहीं। अब आप एनुअल डेवलपमेंट प्लान से बाकी मुल्क से निकाल के करेंगे क्या करेंगे, ये हमें समझने की जरूरत है। सो उसी हिसाब से जो हुकूमत आज कह रही है कि जी सीवरेज सिस्टम के पर इतना करेंगे, रोड नेटवर्क पर इतना करेंगे, सर्कुलर रेलवे पर इतना करेंगे, तो मेरी और आपकी तो डिसएग्रीमेंट वहाँ कहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, तरजीहात में जरूर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और हमें पूरा फिर ये तो एक ब्रॉड एक अनाउंसमेंट है, इसको मीनिंगफुल जब तक हुकूमत बताएगी नहीं कि जी इसके माइलस्टोन्स हैं क्या, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगी, कौन सी कमेटी फंक्शनल होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज बीन अनाउंस्ड, उसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकती। हम कैसे कह सकते हैं कि जी सर्कल रेलवे नहीं बननी चाहिए। बाय द वे, सर्कल रेलवे वाज ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स सीपैक के हवाले से। तो बट मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा तरीका यही होगा, वरना तो बिल्कुल इग्नोर हो जाता है। मैं आज शहबाज शरीफ को, हम शहबाज शरीफ यहाँ बोलते भी रहे हैं, बट किसी को याद भी नहीं है कि उन्होंने तजावीज़ दी क्या थी। तजावीज़ मीनिंगफुल प्लेटफॉर्म होता है, फोरम होता है, उसे उधर आप देते हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है वो पार्लियामेंट, मेन पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में, क्योंकि वहाँ बड़ी सीरियस डिस्कशन होती है। आई टेल यू द परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज इज वेरी गुड इवन ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स कम होती है, लोग मीडिया वहाँ मौजूद नहीं होता, तो आप प्योरली प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। आई थिंक दिस इज माई सजेशन, और हम इसका आज जो अनाउंस करेंगे उसका रिस्पॉन्स भी कर देंगे, जो आप बात कर रही हैं कि जी हम जो तजावीज़ ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी हम तजावीज़ दे देंगे, बट लेट इट फर्स्ट कम। कि जाहिर सी बात है जो कराची की ज़रूरियात हैं, पानी की ज़रूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मॉडर्न की ज़रूरत है, रोड नेटवर्क की ज़रूरत है, सीवरेज सिस्टम की ज़रूरत है, और एक पॉलिटिकल न्यू पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की भी ज़रूरत है। आई थिंक लेट मी ऑल्सो टच अपॉन डैट, बिकॉज कराची इज़ डिवाइडेड इन टू टू मैनी, ओनरशिप उसकी कहीं एक है ही नहीं। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आएंगे, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं कि कारसाज का एक हिस्सा कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर है, दूसरा
लोकल गवर्नमेंट के अंडर है, तो कैसे चल सकता है कि सफाई अगर एक हिस्से में होगी और दूसरे हिस्से में नहीं होगी तो कैसे। एंड इसी तरह से DHA है, उसका कंट्रोल है, फेडरल एजेंसीज का बहुत जगह पर कंट्रोल है, लोकल गवर्नमेंट का है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। सो आई थिंक ये दिस इज ऑल्सो अ टाइम टू डिबेट वेदर देर इज अ रीमॉडलिंग ऑफ कराचीज ओनरशिप। मैं वो नहीं कह रहा फेडरल उसके अंदर देने के लिए या इसको सिंध से निकालने के लिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पर डिबेट होनी चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के होनी चाहिए कि कराची की ओनरशिप ओवरऑल किसी के पास तो होनी चाहिए, जैसे लाहौर के में। एंड इट बिकम्स मोर फार मोर इफेक्टिव। अभी देखे ना, वो कहते हैं कि जी DHA हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कंटोनमेंट बोर्ड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शारा फैसल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो जो आवाम है वो किसके पास जाए? वो तो इस झगड़े में नहीं पड़ सकते कि ये किसकी आपस में इतने डिफरेंट एजेंसीज और इतने डिफरेंट institutions responsible hain. That's what I think also needs to be done. What is your final message in the way forward in your opinion as PMLN leader here? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा important चीज ये है कि Karachi is the financial hub of Pakistan. So any funding here is not just for Karachi, it is for Pakistan. Pakistan directly benefits from everything that will come here. और मैं अभी मैंने कोई देखा नहीं, ये जो हमारे जो भी पोर्ट कासिम और दूसरे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसके लिए कोई ऐसे खास चीज़ नहीं देखी, बट मे बी देर इज़ समथिंग अभी नहीं आया। मेरा फाइनल मैसेज तो यही हो सकता है कि आई विश द बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ कराची एंड लेट्स ऑल मेक कराची बैक टू व्हाट इट डिजर्व्स एज द लीडिंग city, largest city in the country as the financial city, and a city that led Pakistan's growth in the first 40 years. And it was, और इसमें मैं ये भी ऐड कर दूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के साथ पॉलिसी इम्प्रूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टू ब्रिंग बैक द प्राइवेट सेक्टर इन द मैनर, बिकॉज कराची ऑलवेज वॉज डिपेंडेंट ऑन अ वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर, एंड प्राइवेट सेक्टर कैन ओनली वर्क इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड. Second and more important, if the policies for businesses are good. So agar policies match nahi karengi infrastructure improvement ko and the business plan or the big companies global as well as domestic are not brought back to Pakistan, wo job creation, wo investment, wo tamam cheezein phir piche reh jayengi. Hamare paas kyunki ab mere khayal mein time bahut kam hai, hame message aa gaya PMLN ka bhi ke किस तरह पे फॉरवर्ड होना है. तो असफर आप क्या कहते हैं, वी हैड टाइम गुफ्तगू का, एक मिनट है चलिए असफर, एक मिनट में आप किसी शेर के हवाले से बात मुकम्मल कर लीजिए. हाँ जी बिल्कुल, शेर इस मौके पे जो शेर है वो तो देखिए ऐसे ही आता है कि जुबैर साहब ने बड़ी अच्छी तामीरी गुफ्तगू की, आगे की पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले से भी बड़ी अच्छी बात की, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि ये बातें बहुत अरसे से होती हैं और कराची एक बार फिर यही कहता है कि जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, मर ना जाए तेरा बीमार मसीहा हूं. मैं इस पर सिर्फ एक मैं भी एंड कर दूं, आप शेयर से नहीं करूंगा लेकिन स्पेसिफिक आई डिसएग्री विद दिस. हम आए थे 2013 में और हमने कराची को फलता फूलता फंक्शनल पीसफुल कराची बिजली के साथ छोड़ा था, तो ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं है. लेट्स ऑल्सो गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, अदरवाइज तो हम उस बात को रोना रो रहे होते कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा, आज हम घर पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, आज बिजली आएगी या नहीं आएगी, ओके इलेक्ट्रिक मसाइल अपनी तरफ. अगर उमर होते तो वो पता है क्या कहते आपके जवाब में, ये जो सब तेरे नजर आते हैं तेरे नहीं. तो मैंने कहा ये बता दूं कि दोनों भाइयों में सोच में जाहिर है फर्क है, दोनों की पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सबके पास एक पॉजिटिव सोच इस वक्त आ रही है. Thank you, Asfar, for inviting and I think... Thanks for joining us. Inshallah, आपको का जो next phase होगा इसी dialogue का, आज से दो हफ्ते के बाद उसमें हम दोबारा आपको invite करेंगे. Okay, Inshallah. Thank you, Shaheen. Thank you, sir. Thank you. और...